In the last few years, Dunzo, Zepto, Swiggy, Instamart, Blinkit, and similar other companies have heavily disrupted the online grocery market. आज वो डीमार्ट और जियो मार्ट जैसे रिटेल जायंट्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं ऑल थैंक्स टू दैट 10 मिनट्स डिलीवरी सर्विस व्हिच कंज्यूमर्स हैव वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स। एक सर्वे के अनुसार 71% ऑफ हाउसहोल्ड्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं टू ऑर्डर डेली यूज आइटम्स सच एज मिल्क, ब्रेड, एग्स, कर्ड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 तक इंडिया की क्विक कॉमर्स मार्केट की वैल्यूएशन तकरीबन 5.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। बट यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। ऑल्दो क्विक कॉमर्स मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन क्विक कॉमर्स कंपनीज को हर क्वार्टर में करोड़ों का लॉस भी हो रहा है। यू मस्ट बी थिंकिंग हाउ कैन दिस कंपनीज बी एट लॉस आफ्टर गेटिंग द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट। जब कंपनीज प्रॉफिट ही नहीं कर रही है तो क्या 10 मिनट्स डिलीवरी बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है इन द लॉन्ग रन? और क्या क्विक कॉमर्स फर्म्स डीमार्ट और जियोमार्ट जैसे रिटेल जायंट्स को डिफीट कर पाएंगे? आइए जानते हैं। ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट दो सेगमेंट में डिवाइडेड है, क्विक कॉमर्स और शेड्यूल ई ग्रोसरी। ओनली जियोमार्ट, डीमार्ट और बिग बास्केट आर शेड्यूल ई ग्रोसरी। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स आर इन द रेस ऑफ क्विक डिलीवरी बिजनेस। ऑल्दो रिटेल जायंट्स लाइक डीमार्ट, जियोमार्ट एंड बिग बास्केट ऑफर ब्रॉडर कैटलॉग्स एंड बेटर डिस्काउंट्स। और जब बात आती है डिलीवरी मार्केट की, तब कस्टमर्स की पहली प्रायोरिटी होती है डिलीवरी टाइम, और क्विक कॉमर्स कंपनीज ये बखूबी जानते हैं। As a result, platforms like Zepto, Dunzo, Swiggy, Instamart and others deliver online groceries and daily use items in just 10 to 30 minutes. आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी deliveries कैसे हो सकती है? Well, 10 to 30 minutes में delivery हो सकती है, in fact हो रही है, all thanks to dark store model. अब ये dark store model क्या है? Simple language में कहे तो Zepto, Dunzo और दूसरे platforms के अपने अपने stores होते हैं। ये stores सिर्फ और सिर्फ online orders ही accept करते हैं। इन्हें आप mini warehouse भी कह सकते हैं। जनरली ये स्टोर्स जहाँ भी लोकेटेड होते हैं उसके 1.5 से 4 किलोमीटर्स के रेडियस में डिलीवरी करते हैं। इनका एग्जैक्ट लोकेशन कस्टमर्स को पता नहीं होता है, इसलिए इन्हें डार्क स्टोर कहा जाता है। एज सून एज यू प्लेस एन ऑर्डर द राइडर एंड द पैकर आर इन्फॉर्म्ड। जब तक राइडर डार्क स्टोर पहुँचता है टू कलेक्ट द ऑर्डर, इतने वक्त में पैकर डार्क स्टोर में ऑर्डर को तैयार रखता है। द प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो स्टोर स्मार्टली। फॉर एग्जाम्पल, हाई डिमांड प्रोडक्ट्स आर स्टोर इन फ्रंट व्हाइल लेस फ्रीक्वेंटली ऑर्डर प्रोडक्ट्स आर केप्ट बिहाइंड इन द डार्क स्टोर। किसी भी डार्क स्टोर को स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया जा सकता है बाय आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर बाइंग पैटर्न्स, फ्रीक्वेंसी एंड डेमोग्राफिक्स। इसी मॉडल के दम पर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, डंजो जैसे कंपनीज 10 से 30 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस मॉडल दे हैव गॉट अ मोर सिग्निफिकेंट पीस ऑफ द ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट। मोर इम्पोर्टेंटली, क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैव ऑल्सो रिसीव फंडिंग फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स। रिलायंस इटसेल्फ, व्हिच रन्स जियोमार्ट, हैव इन्वेस्टेड अराउंड $200 मिलियन इन डंजो। All this seems to be win-win situation for quick commerce platforms. But are they profitable? No. As I mentioned earlier, these quick commerce platforms face crores of losses every quarter. But how? I'll explain. Let us understand the unit economics of a dark store. As per Kabir Biswas, co-founder and CEO of Dunzo, a dark store generally has an average order value of 400 rupees with a 15-17% of gross margin per order. Agar hum gross profit margin calculate kare, with average order value of 400 rupees and 15% of gross margin, तो gross profit margin मिलता है 60 rupees, यानी हर order पर 60 rupees का profit. अब as per a report, एक dark store को हर दिन on an average 750 orders आते हैं, यानी 45,000 rupees of profit every day, right? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो 60 rupees की बात की है, वो है gross profit margin, ना कि net profit margin. The gross profit margin does not include the salary of staff, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रेंट और डिलीवरी एक्सपेंसेस। अब इस 60 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट में से 30 से 50 रुपए डिलीवरी पर्सन को चले जाते हैं, लेट्स कंसीडर 30 रुपीज, तो ग्रॉस प्रॉफिट बचा सिर्फ 30 रुपीज पर ऑर्डर। और एवरी डे 750 ऑर्डर्स आते हैं, तो मंथली ऑर्डर्स हुए 22,500, यानी मंथली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक्सक्लूडिंग डिलीवरी पर्सन कॉस्ट इज 6,75,000 रुपीज। आउट ऑफ द रिमेनिंग ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 6,75,000 रुपीज, अ डार्क स्टोर ऑल्सो हैज टू बेयर द कॉस्ट ऑफ स्टोर स्टाफ सैलरी, customer acquisition cost, dark store rent, and other cost like electricity, maintenance, and software cost. As per report, a dark store has 30 employees with a 25,000 salary per month. That means per month staff salary cost, that is 7,50,000, is more than the gross profit margin. So it is evident, to bear the other cost, the quick commerce platforms has to burn a lot of cash. And that's what they have been doing. Now the question is, how can these platforms turn profitable? Actually, the options are significantly less. स्टिफ कंपटीशन के कारण ये प्लेटफॉर्म्स ना अपने डिलीवरी चार्जेस इंक्रीज कर सकते हैं और ना डिस्काउंट्स कम कर सकते हैं।
Another option is to increase the average order value from 400 rupees to 600 rupees. But as per a report, even this seems unlikely because most households prefer Q-commerce platforms for unplanned purchases. और unplanned orders में ज़्यादातर items आपके उस वक्त के requirement के लिए होते हैं, ना कि पूरे महीने के requirement के लिए. According to a survey, only 29% of the households use Q-commerce for all grocery purchases. The other option is to increase the number of dark stores, जिसकी मदद से सारे deliveries 10 minutes में किए जा सकते हैं. This will lead to an increase in the number of orders and customer acquisition. But Dunzo के CEO and co-founder Kabir Biswas के हिसाब से एक dark store को launch करने के लिए 40 to 60 lakh rupees की requirement होती है. Plus उसी dark store को profitable बनाने के लिए और भी करोड़ों रुपए लगते हैं. So opening up new dark stores will increase the fixed cost dramatically. अगर Q-commerce platforms का profitability में आना मुश्किल है, तो क्या वो JioMart, DMart और Big Basket जैसे retail giants को defeat कर पाएंगे? Of course not. As of now, Q-commerce platforms इन बड़े retail giants को tough time दे रहे हैं. But in the longer run, they might not be able to compete with them. ज़्यादातर customers Q-commerce से limited products ही order करते हैं. Monthly plan orders के लिए वो retail giants को ही prefer करते हैं. साथ ही Q-commerce platforms mainstream retail chains के मुकाबले ज़्यादा discounts भी नहीं दे सकते. और उनका additional cash loss is much more than DMart, JioMart and Big Basket. So will Q-commerce platforms reach the dead end? Some platforms may and some may not. In fact, कई सारे platforms को already realize हो गया है कि faster deliveries are not the only way to win the quick commerce battle. Swiggy has changed its 15 to 30 minutes tagline to groceries in minutes. Same with Blinkit. Reliance back Dunzo भी incentivized 60 minutes delivery provide करने लगा है. Reason behind this move is to club orders. A group of orders will take more time to deliver, but it will save cost. यानी एक rider 5 orders deliver करने के लिए dark store से 5 trips करता है, तो उसे company 30 रुपये पर ट्रिप के हिसाब से टोटल 150 रुपीस देगी. बट अगर वो ही 5 ऑर्डर्स को राइडर एक ही ट्रिप में डिलीवर करे, तो कंपनी को सिर्फ 30 रुपये ही देना होगा. दैट मीन्स 120 रुपीस विल बी सेव्ड. ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है. बाय दिस स्ट्रेटजीज द प्लेटफॉर्म कैन सेव अ लॉट ऑन मंथली बेसिस. इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस क्यू कॉमर्स फर्म्स विल टर्न प्रॉफिटेबल. विल दे स्टार्ट डिलीवरिंग लाइक अदर शेड्यूल ई ग्रोसरी फर्म्स और विल यूज फंडिंग बैक देम और विल दे बी एक्वायर्ड बाय रिटेल जायंट कंपनीज? वेल, time will tell. Hello people, hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If yes, then please like, share, comment और Nutshell को subscribe कर दीजिए. Behind the brands के और भी interesting videos आपको Nutshell के playlist में मिल जाएंगे. और most importantly, thanks for giving a valuable time. Goodbye and take care.